गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपके सामने जो डिस्प्ले में दिख रहा है आज, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कुछ ऐसे हम लोग एनिमल्स पढ़ेंगे जो सी में रहते हैं और लैंड में रहते हैं, दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एस्कैरिज होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं। अब एनीलिडा की बात करें तो एनीलिडा में उनके लेग्स वगैरह होते हैं, एनस पाए जाते हैं, माउथ होता है, ट्यूबरकल्स होता है और पेपिलिया होता है। ये जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो स्क्रीन में, वो आपके घर के आसपास या बारिश के महीनों में जो काले बॉडीज वाले होते हैं, ये वही है। इसको बोलते हैं पेरिपेटस। एनीलिडा इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री क्लासेस, पॉलिकेटा, क्लीलियम, ओलिगोकेटा, क्लिएटेलम एंड हेरोडिनेरिया। एनीलिडा इज फॉलोइंग थ्री क्लासेस। ऑल एनिमल्स ऑफ दिस आर फाउंड इन ओशन वाटर। जितने भी रहते हैं वो सब ओशन वाटर्स में रहते हैं, जैसे नेरिस, एरिनोकोला, कार्टोप्लस, एक्टोरिया, सी माउस, फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड मॉइस्ट सॉल। जो ओलिगोकेटा होते हैं वो पॉन्ड्स, लेक्स और मॉइस्ट सॉल में पाए जाते हैं। क्रिटेलियम, द पेरिथेलमा, ल्यूमरियकस, डेरोनियसिस, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एंड द नोन एज लीच। लीच जो होता है वो एक्वाटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। अडेप्टेशन इन एनीलिडा, फुल्ली अडेप्टेड फॉर डियर एनवायरमेंट एंड एनिमल ऑफ द क्लास द पॉलिएटा आर सेल्फ। तो एनीलिडा आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिनिया या लीच। फाइलम इज सॉरी किंगडम इसका है एनिमेलिया, फाइलम है एनीलिडा, क्लास है हेरिडिनिया, ऑर्डर है नेंथोडिलेडिया, जीनस है हेरिडिनेरिया, स्पीशीज है मेरिसिनेलिस। इट इज बॉडी एलोंगेटेड विद द सेगमेंटेड टू सकस, स्मॉल ओरल सकस, सराउंडेड इन माउथ लाइन वर्टिकल, सराउंडेड इन माउथ माउथ लाइंग ऑन अ वेटर साइड और इंटीरियर एंड एंड इन लार्ज एनल सकर एट द पोस्टीरियर एंड जस्ट बिहाइंड द एनस। मेल एंड फीमेल जेनिटल एपर्चर्स लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ 10th एंड 11th सेगमेंट रिस्पेक्टिवली। क्या समझ में आया बच्चा अभी तक? हेरोडिनिया क्या किस हेरोडिनिया के कैरेक्टर को देखकर कुछ समझ में आया? इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, और
has two suckers, small oval suckers surrounded the mouth line in a ventral side interior end and a large sucker at the posterior end just behind the anus. Male and female genital apparatus located on a ventral side 10th 11th segment respectively. Posterior sucker is a highly muscular and a means of location adheres. जो इनकी बॉडी होती है ये मेल और फीमेल के अलग अलग टाइप के होते हैं और लीच या बोलना चाहिए हर्डीन या मेरिटेनियस एक ऐसे वो होते हैं जो ज्यादातर ओशंस में ही मिलते हैं. वेरीफॉर्म सॉफ्ट एलोंगेटेड डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेड बायलैटरली सिमेट्रिकली मेड अप ऑफ 33 सेगमेंट. इनकी फुल ऑफ बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड पार्ट में डिवाइडेड होती है. माउथ इज टेरिडिएटेड इन द प्रेजेंट बिटवीन द इंटीरियर सकर. ठीक है, इनका जो माउथ होता है माउथ वाला पार्ट है इनका जो माउथ का पार्ट है यहाँ पर का ये माउथ का पार्ट क्या होता है टेरिडिएटेड एंड द प्रेजेंट बिटवीन द इंटीरियर सकर. क्योंकि इनका जो माउथ पार्ट है अगर हम देखें इनका जो माउथ पार्ट है ये वाला पार्ट ये होता है टेरिडिएटेड मतलब दिखाई नहीं देता एकदम छोटा सा होता है बट प्रेजेंट होता है इंटीरियर सकर में. मतलब ये जब मिट्टी खाते हैं या किसी चीज को लेते हैं तो ये इनकी बॉडी एक तरह से जैसे कि हम मोती मिलते हैं ना शंख वगैरह मिलती है उस तरह से बॉडी होती है इनकी. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू सिफेलिक एंड अ पेरिसिलिएटर सिलिएटर मिडिल कॉडल एंड अ पोस्टीरियर रीजन. इनकी फुल जो बॉडी होती है एक तरह की कहना चाहिए कि ठोस बॉडी होती है एकदम टफ बॉडी होती है इसलिए और इनके अंदर का जो पार्ट होगा वो इस तरह से होगा कुछ. ठीक है, और ये फुल जो बॉडी होगी उसमें आपको जैसे कि हमारे मुंह का पार्ट दिखता है मांस दिखता है ना स्किन दिखती है ठीक वैसे ही इनका भी पार्ट दिखाई देगा. फाइलम मोलस्का द सॉफ्ट बॉडीज एनिमल मोलस्का लैटिन वाज मोलिस एंड मोलस्कम इज मीनिंग ऑफ सॉफ्ट आर सॉफ्ट बॉडीज नॉन मेटामेरिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कोलेनमेटेड एनिमल कंसिस्टिंग ऑफ इंटीरियर हेड एंड वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड डोर्सल मास वेसरल मास सराउंडेड बाय अ थिन फ्लैशी इनवेलप द mental generally slattered in an external calcareous shell of their own secretion. Mollusca. Mollusca part में किसी को जानते हो आप? Mollusca में एक सबसे famous है octopus, phyla, घोंगा, octopus और lolico. सेपिया ये कटल फिश पर्ल ऑयस्टर जैसे कि जो मोती जैसे आती है ना जिनके पार्ट से मोतियां निकलती हैं सॉरी वो होते हैं पर्ल ऑयस्टर. वो पर्ल ऑयस्टर एप्पल स्नेल इस तरह से उनके मोलस्का के दिखते हैं. मोलस्का हैव सॉफ्ट सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विदाउट जॉइंट appendages. The body is covered with a fold and a soft skin called mantle. The mantle generally secreted are the calcareous shell which is external. In some cases the shell may be internal or absent. Unke jo shell hote hain wo calcium carbonate ke bane hote hain. Jaise calcium carbonate jo hota hai agar wo kahin par maan lo ki ikattha ho gaya और उसको सनलाइट मिल रही है या फिर वो एक कहना चाहिए कि वो थिक लेयर में है तो थिक लेयर की वो शेल बन जाएगी. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है वो बहुत ही मजबूत होती है इतनी आसानी से नहीं टूटती जैसे आपके दांत है ना ठीक वैसे ही उनकी वो शेल होते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विद अ फोल्ड ऑफ सॉफ्ट स्किन कॉल्ड द मेटल. द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक द बॉडी कैविटी इज द हीमोकॉइल and the trochoilum is reduced and confirm the pericardial and nephridial and reproductive cavities. अगर आप पाइला को देखोगे तो
तो पाइलर की तो फुल बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बस ऊपर में जो छोटा सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढांचा, ये कहना चाहिए कवर्ड होता है ना। द वेस्कुलर सिस्टम इज मोस्टली ओपन टाइप एंड एक्सेप्ट सेफलोपोड्स। इनका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है मतलब सांस लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर कहना चाहिए कि ये जहाँ से अपने फूड लेते हैं, इनका जो वेस्कुलर बॉडी होता है या वेस्कुलर सिस्टम होता है ये ओपन टाइप का होता है। ठीक है, मतलब इनकी बॉडी ओपन इसलिए होती है कि उस पार्ट से जिससे वो कवर करना चाहते हैं उससे वो कवर कर देते हैं, लेकिन अंदर जो पार्ट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये होगा सॉफ्ट पार्ट, ये होगा ज्यादा मतलब थिक पार्ट, और थिक पार्ट की वजह से ये टूट भी सकता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरड पेयर्ड एंड सेरेब्रल प्यूरल पैडल एंड वेस्कुलर गैंगलिया जॉइन बाय द कनेक्टिव नर्व्स। इनके जो नर्व सिस्टम होते हैं ये एक सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड मतलब कि जैसे कि हमारी अगर बॉडी में देखा जाए तो एक नर्वस सिस्टम होता है जिसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन इनके जो नर्वस सिस्टम होंगे वो कई हिस्सों में बटे रहे होंगे इस तरह से। मतलब जैसे कि इस बॉडी को देना है तो उसके नर्वस सिस्टम अलग, इस बॉडी को अलग, इस बॉडी को अलग। ठीक है, सेक्सेस आर यूजुअली द सेपरेटेड डेवलपमेंट इज आइदर डायरेक्ट एंड विद मेटामॉर्फिक इंक्लूडिंग वेलिगर लार्व्स लार्वास। क्योंकि ये अंडे देते हैं और अंडे देने के साथ साथ ये लार्वा भी देते हैं, तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेपरेटेड फॉर्म के साथ साथ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होगा रिया मैम? जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहती है। हाँ, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि जो जैसे कि बॉडी में कहीं पर सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। क्योंकि जब हमको अंडे देना है या एग्स देना है या ऐसे बच्चे जो जिस एनिमल के बच्चे डायरेक्ट पैदा होते हैं तो वो लार्वा फॉर्म में होते हैं। अगर लार्वा फॉर्म में होता है तो उनका मेटामॉर्फोसिस हो गई, उनके सेल का रिप्रोडक्शन या सेल के गैमेट जो होंगे वो इस तरह से बनेंगे। फाइलम मोलस्का, यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? यस मैम। इन केस अगर आपको क्लियर नहीं है, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा, कुछ नहीं मैम, समझ आ गया। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का में आप क्लास देख रहे होगे कि कौन कौन से क्लास है। मोनो प्लाकोपोरा, न्यूपिलिया, एम्फीन्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, स्केलोफोडा, बाइवेल्विड, पॉलीपेल्क्लोफोडा, सिफिलोफोडा। मोलस्का एनीलिडा, निमेंटमिस, निमेहेल्पमिस या निमेटोडा, और क्या पढ़े थे हम, कॉलेंट्रेटा। तो निमेंटी हेलमेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे सी में मिलने वाले या ओशंस में मिलने वाले क्या हैं, एनिमल्स हैं। क्योंकि इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ये काफी जहरीले भी होते हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा ग्लैंड रखते हैं जिससे ये जहर छोड़ सके। जैसे कि अब अगर आप पाइला की बात करें तो पाइला जो है सरकने के लिए फ्लूइड छोड़ता है, तभी वो सरक पाता है ना। आपने घोंगा को देखा होगा, आपके आसपास जो छोटे छोटे घोंगे रहते हैं जो बारिश के दिनों में भी मिलते होंगे, वो क्या करते हैं कि नीचे से एक फ्लूइड छोड़ते हैं। यही फ्लूइड जो होता है इनके प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। अगर कोई इन पर हमला करता है तो ये अपने उस शेल में अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो इनको डर रहता है कि इनको कोई भी दुश्मन खा सकता है।
पर इनकी ये जो शेल होती है ये इनके प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब बात करते हैं पाइला और एप्पल स्नेल की। कैरेक्टर इज द इनहेबिट पॉन्ड एंड पेडी फील्ड्स रिवर्स स्टीम इट्स। इन लोग हमेशा कहाँ रहते हैं, एक पॉन्ड में रहेंगे, पेडी फील्ड्स में रहेंगे, रिवर्स में रहेंगे और उन जगहों पर रहेंगे जहां पर इनका जो मॉइस्चर रहता है वो ज्यादा रहे, जैसे बारिश का दिन, नाली है, नाले है, आसपास के खोचे या कहीं पर अगर गड्ढे वगैरह हो गए तो वहां ज्यादा मिलते हैं, है ना। और इनको सबसे बेहतरीन चीज लगती है आसपास का जो मॉइस्चर रहेगा, जो जो कहना चाहिए सॉइल रहेगा वो काली मिट्टी का हो, क्योंकि ये लोग भूरी मिट्टी में नहीं आते हैं, ज्यादातर काली मिट्टी में जन्म लेते हैं। क्यों, इसका रीजन जानते हो, रीजन जानते हो बेटा? पाइला या एप्पल स्नेल जो होते हैं वो काली मिट्टी में क्यों ज्यादा मिलते हैं? नहीं पता मैडम। आयुषी, रिया, आप लोग को पता है? नो मैम। देखो, काली मिट्टी का जो वो रहता है या ब्लैक सॉइल का ये रहता है कि उनके अंदर बहुत मॉइस्ट को लेने का, और बारिश के दिनों में आप देखना कि जब पानी गिरती है तो वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं, मतलब कि वो एक एक नहीं होते। अगर उनका लेयर देखोगे आप सॉइल का, तो सॉइल में हमेशा ये रहता है कि फुल ऑफ गैस, वाइन या हवा नॉर्मली जा सकती है, इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि काली मिट्टी को हम अपने बाग बगीचे में लगाएं। तो मोस्टली ये जो मिट्टी होती है बाकी लोगों के लिए भी ज्यादा प्रेफरेबल होती है। ये सोचते हैं कि इनके जो एग्स होंगे या उनके जो बच्चे होंगे वो इस मिट्टी में अगर दिए जाएं तो उनको नॉर्मली जो जितना ऑक्सीजन लेवल होता है मिट्टी में वो अच्छे से मिलता है, क्योंकि इसका जो ये रहता है कि ट्रांसपेरेंट रहता है मिट्टी का जो जो अडेप्टेशन होता है, ये मिट्टी की जो मॉइस्ट जो चीजें होती हैं वो होती है, अडेप्टेबल रहती है। कोई भी एनिमल या छोटे मोटे कीड़े जो है ये काली मिट्टी में अच्छे से रह सकते हैं, काली मिट्टी को प्रेफर करते हैं हमेशा अंडे वगैरह देने के लिए। सांप को भी बोलोगे, स्नैक को भी बोलोगे तो वो काली मिट्टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें एक ये चीज होती है कि वाइन ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मिल पाता है, ठीक है, इसलिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। द बॉडी एंड शेल इज स्पाइरली कॉइल्ड एंड आर मेड अप ऑफ द कैल्केरियस शेल, द प्रोटेक्टिंग सॉफ्ट बॉडी पार्ट इज शेल, अ वाइड ओवल माउथ ऑन द फ्लैट कवर्ड फ्रॉम द ऑपरकुलम इज द प्रेजेंट इन द शेल इज 6 1/2 कॉइल होल इज द प्रेजेंट इन अदर एपेक्स इज शार्प। क्या होगा कि इनकी जो बॉडी होती है वो शेल से ढकी होती है, शेल से ढके होने की वजह से ये अपना प्रोटेक्शन भी शेल के कारण करती है, कोई अटैक करेगा तो वो शेल में घुस जाती है। और फिर जब आप देखोगे कि उस शेल को आप धक्का दोगे तो वो शेल घूमते घूमते उस जगह पर चला जाता है। जब ये लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये शेल को छोड़ देते हैं, ये अपने उस शेल पार्ट को हटा देते हैं, और वही शेल को हम पूजा वगैरह में या शंख वगैरह में या कहना चाहिए कि पार्ट को काम करते हैं कि ये उस चीज को वर्किंग कर सके स्पिरिचुअली वर्क में। तो जब इनकी डेथ होती है ये उस शेल को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इनके मेन जो इनके बॉडी का ये सबसे बड़ा सिस्टम है। द मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ अपर कलम, फुट इज फ्लैट एंड द यूज इज क्रीपिंग। इनका जो फुट रहता है ये फ्लैटेड रहता है इनकी क्रिपिंग के लिए, ताकि ये आराम से चल पाए, घिसक घिसक के चल पाए। इनसाइड द शेल सराउंडिंग बाय द सॉफ्ट स्किन व्हिच इज नोन एज द मेटल इन द कवर्ड विसरल मास। इनका जो इनसाइड रहता है, मतलब बॉडी का जो इनसाइड रहेगा वो सराउंडेड पार्ट से सॉफ्ट स्किन ढकने के लिए होता है,
द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड वेसल मास एंड अ फुट. तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हेड वेसल मास एंड अ फुट. एपर्सनेल, एपर्सनेल को हो गया अपने घर के आसपास योनियो कहते हैं. पाइला, जो पाइला और ऑक्टोपस बहुत ही अलग अलग होते हैं. पाइला और ऑक्टोपस दिखते हैं एक जैसे हैं, ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं, पर पाइला कैसा नहीं दिखना चाहिए ना. हाँ बेटा देखो, आपके बुक की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि जो पायला है ही नहीं उसको प्रिंट आउट कर दिए. ये दिख रहा है आप लोग को? यस मैम. हाँ यही पाइला है. तो आपको पायला दिख रहा होगा. देखिए आपकी बुक की सबसे बड़ी मिस्टेक कि जो पायला है नहीं उसको ऑक्टोपस डाल दिए ये लोग. तो पायला आपके घर के आसपास या कहीं पर या पॉन्ड रिवर पर दिखाई देता है. ठीक है. हेड बियर्स टू पेयर ऑफ टेंटिकल्स एंड अ पेयर ऑफ आई. Visceral mass consists of main organ of the body, which are separately coiled, covered by metal. The respire the tongue, pulmonary sac, lungs, in the each of throat, gills in water. इनकी body में gills होते हैं, जो gills जो water में इनको eggs वगैरह देने के लिए और respiratory इनके organs के लिए होते हैं. इनके nervous system is fully developed होते हैं. इनका अगर आप देखना, जब जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे तो पाइला का भी डिसेक्शन होता है. ठीक है. तो पाइला के डिसेक्शन में इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो निकाला जाता है. तो इनका नर्वस सिस्टम सेपरेटेड नहीं होता है, ये फुल्ली डेवलप्ड होता है और वही देखने के लिए आपको डिसेक्शन करना पड़ेगा. बोथ साइड ऑफ द हेड लेफ्ट एंड राइट एंड न्यूकल द लोब्स और द स्यूडोपोडिया इज प्रेजेंट. सेक्स आर सेपरेटेड. इन अ मेल वॉज difference attached with the anus and the oviduct open the gonopore in canal. Yonio or Lamellidius. Yonio.
जब हम आप लोग जाते होंगे, जैसे उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, या मुंबई जाते होंगे, ये वहां पर बहुत मिलते हैं आसपास। इनका जो शेल्थ रहता है वो भी ऐसा रहता है कि ये काफी हद तक उनकी तरह दिखते हैं, कि इनकी तरह लीच की तरह दिखते हैं, है ना। लीच की तरह बॉडी होती है, इनकी बॉडी से मोती मिलते हैं। कभी भी क्या होता है कि जब जब ये छोटे होते हैं, जब इनका साइज छोटा रहता है, तब तक ये सी में रहते हैं। जैसे जैसे इनकी साइज बड़ी होने लगती है, ये किनारे पर मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो बॉडी रहती है, जब ये ओल्ड एज हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है, तब ये इनकी बॉडी को ये किनारे पर आ जाते हैं, समुद्र के किनारे, ओशंस के किनारे आ जाते हैं। तब लोग इनको मतलब इजली पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। कई बार ये किनारे से चलते हुए उस सी के किनारे पर इतना आ जाएगी कि ये सैंड वगैरह में रहती है। यूनियो या लैमेलिडिनस कहते हैं, द फाउंड इन रिवर, पॉन्ड, लैक्स, सो कॉमनली नॉन इज फ्रेश वाटर, बॉडीज बायलेटरली सिमेट्रिकली इनक्लोज इन कालकेरस शेल, एंड अ बायलेटरली सिमेट्रिकली मीन्स द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मिरर इमेज थ्रू वन मीडियम लैब, द बॉडी शेल इज प्रोसेस टू सेपरेट इक्वल वॉल्व्स, हेंस द कॉल्ड इज बाइवेल्विया। इस तरह की बॉडी होती है इनकी, इस तरह से, और इस तरह से ही ये बॉडी क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। इनके जो शेल्स होते हैं वो आसानी से दिख सकते हैं आपको, और ये शेल जो होते हैं ये एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि लाइन बनी होती है इनके शेल में। फुट इज लार्ज मस्कुलर एंड वेट शेप एंड हेल्प्स इन ब्राउनिंग, एंड द मेंटल हैज टू लोब्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ टू वॉल्व्स ऑफ द शेल, क्लोजिंग एंड ओपनिंग वॉल्व्स टेक प्लेस बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर। इनका अगर किंगडम देखें तो मोलस्का है, पेलिकोपेडिया है, शाइजोडोंटा है, लैमिलेडिनेसेस एंड मार्गी नेल्स। ये आप पढ़ लो के बेटा, ऑक्टोपस पढ़ाऊं? यस मैम। सब बताओ, आयुषी पढ़ लोगी? मैम पढ़ लेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ही पढ़ लोगे? ठीक है, चलो। फाइलम ऑर्थोपोडा, अच्छा ऑक्टोपस की बात अगर है तो मैं एक बार और उसको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ, उसकी कुछ कुछ चीजें। दे आर द फाउंड इन द बॉटम ऑफ सी, द बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड एंड टंग, एंड द हेड हैज द पेयर ऑफ आईज एंड सिफोन एंड फ्यूनल, एट इक्वल आर्म्स एंड अ सकर इन अ टू रोज, द शेल इज एब्सेंट इन इन इंजेक्ट एन अ इंकी फ्लूइड इन अ वॉटर एंड अ फॉर्म इज स्क्रीन फॉर डिफेंस फ्रॉम एनिमीज। ऑक्टोपस के बारे में देखो, इनका हेड देखो, वेस्टरल हम्प दिख रहा है, और हेड दिख रहा है, टू आईज दिख रही है, इस तरह से इनकी बॉडी सा ट्रंक दिख रहा है, ट्रंक ट्रंक मतलब कि इनकी बॉडी ना अगर देखा जाए तो मुंडी जो होती है ऐसे होती है, इनका हेड ऐसे होता है, लेकिन ये एक तरह का, ये एक शाइनी लाइनिंग दिखती है, उसे कहते हैं ट्रंक। इनके 8 लेग्स होते हैं, और जो मिडिल पार्ट है बॉडी का, जो सबसे मिडिल पार्ट है, जैसे आपने स्टारफिश में देखा ना मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट में क्या होता है, कुछ फीड्स या स्मॉल फिशेस, क्रैब्स, प्राउन, अदर मोलस्का, इस तरह से इनकी बॉडी के जो मिडिल पार्ट होता है वो एक तरह का इंक छोड़ता है, ठीक है।
क्या छोड़ता है? इंक। ये इंक ऐसे होते हैं, क्या होता है? हाँ ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग को कुछ क्लास वर्क दे देती हूँ, हो सकता है अगर छुट्टियां हुई तो आप लोग इस क्लास वर्क को कर लेना। क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ रिया, आप क्लास वर्क नोट कर लो और सबको सेंड कर देना, और ठीक है? यस मैम। रुको दे रही हूँ। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश लिखते जाओ। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ऑक्टोपस, पाइला, टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, हाइड्रा, साइकन, इन सब के आपको स्ट्रक्चर बना के इसका किंगडम लिखना है और इसके कुछ कैरेक्टर लिखने हैं इनके बॉडी के। हो पाएगा बेटा? यस मैम। फिर से बोलूं? नो मैम, हो गया लिखी। हो गया ना? टीनिया सोलियम, स्कैरिस, ऑक्टोपस, पाइला, स्टारफिश, डॉगफिश, एक और लिख लो, एविस, ये भी काफी हद तक पूछा जाता है। एम्फीबिया का भी देख लो, एम्फीबिया में आपको पूछा जाता है रेप्टाइल्स एंड टोड। और क्या है, कॉर्डेटा ग्रुप है, तो कॉर्डेटा ग्रुप में जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना आप लोग को, वही रिपीट करना है। ये समझ लो आपका दशहरा वर्क है। ठीक है मैम, अक्टूबर का असाइनमेंट का ना? हाँ हाँ, ये जो अभी दिया ना मैंने अक्टूबर का क्वाड्रेटा वाला, वही रिपीट कर लो। और नेक्स्ट लिखो, दशहरा वर्क है ये। अच्छा हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना फिक्सेशन वाला, रूट नोड्यूल फिक्सेशन वाला पूछ रहे थे ना, पेज नंबर 207 में है, इसमें रूट नोड्यूल ऑफ पिया का दिखाया है, तो
ये आप लिख सकते हो, नोड्यूलेटेड रूट के बारे में बताना है आपको। ठीक है, रूट सिस्टम के बारे में लिख लेना, पेज नंबर 204 रूट सिस्टम लिखना। इसमें कौन कौन सा रूट लिखना है आपको, टैप रूट, एडवेंचरस रूट, इन दोनों के बारे में। मॉडिफिकेशन फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रॉप रूट के बारे में भी लिखना, स्लिट रूट, क्लिंबिंग रूट, क्लिंजिंग रूट, इन सब के बारे में भी लिख लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, पेज नंबर 209। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, बस इतना वर्क। कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? रिया कितना क्वेश्चन हुआ? 16 क्वेश्चन। मैंने 15 वो स्टार्टेड जेलीफिश वाला एक साथ नहीं लिखा। अरे हाँ, वो एक साथ एक क्वेश्चन है बस। इसका क्या लिखना है आपको, फाइलम, कैरेक्टर और इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, क्वाड्रेटा वाला, और फिर फिर मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ फिर क्या है, एंड देन फिर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ इतना आपका दशहरा वर्क है, हो जाएगा। आप लोग सेंड कर देना सबको। इससे ज्यादा हो जाना चाहिए था, मतलब हम लोग आधे भी ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, और जो मैंने अक्टूबर का असाइनमेंट दिया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एलियम सेप्पा का जो आपको फॉर्मूला दिया है ना मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, ये मैं दूंगी आपको हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मैम क्या बोलेगी? एलियम सेप्पा का जो मैंने फॉर्मूला दिया है फ्लोरल फॉर्मूला, इसे मैं हाफ ईयरली में देने वाली हूँ, आप लोग याद कर लो। ठीक है, लेफ्ट होते जाओ।